सो हे गाइस, क्या चल रहा है भाइयों। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। तो आप लोग को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हम लोग अपनी शॉप के अंदर बहुत सारा सामान लेकर आ गए। अभी हम लोग वेजिटेबल से लेकर चिकन मटन सारी चीजें सेल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। पर यार एक दिक्कत की बात है कि यार हमारी शॉप में ना सामान तो बहुत सारा आ गया है, बस इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक के सामान के लिए हम लोग को अपनी शॉप की रेटिंग बढ़ानी होगी। तो गाइस आज मेरा टारगेट है कि आज कैसे भी करके मेरे को रेटिंग बढ़ानी है, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यार जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। बाकी फटाफट से अपनी शॉप की तरफ चलते हैं। भाई मैं नहा धोकर एकदम रेडी हो चुका हूँ। बाकी यार मेरे को ना अभी भूख लगना स्टार्ट हो गया है, तो सुबह सुबह हम लोग रेस्टोरेंट चलेंगे, वहां से एक पिज्जा खरीदेंगे। पिज्जा से ना अपना काम हो जाएगा और आराम से भाई, आराम से जब भी मैं साइड से जाता हूँ ना, मेरी गाड़ी अपने आप स्लिप हो जाती है। तो मुझे रेटिंग बढ़ाने के लिए ना बहुत सारा सामान लेना होगा, इसके लिए मेरे को अपने कार्ड में पैसे भी डालने हैं। वैसे $8,000 मेरे कार्ड में पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। बाकी मेरे को सबसे पहले ना फोन निकाल के देखना है कि यार कंप्लेन किस किस चीज़ की आ रही है, क्योंकि कंप्लेन के हिसाब से अगर मैं सामान लेकर आता हूँ तो प्रॉफिट भी होगा और रेटिंग भी अपने आप बढ़ जाएगी। वैसे कल ना यार थोड़ी सी रेटिंग तो बढ़ी थी, पर सामान बहुत कम है इसलिए रेटिंग कम हो जा रही है। हेलो सर, क्या हाल चाल है? तो मेरे को यहाँ से एक पिज़्ज़ा बाय करना है। एक काम कर दे, पिज़्ज़ा को ना यहाँ रख लेते हैं, फटाफट से इसको ईट करो। एक सेकंड भाई, एक और पिज़्ज़ा बाय कर सकता हूँ क्या? हाँ, एक और पिज़्ज़ा बाय कर लिया। इसको ना मैं अपनी शॉप पे लेकर चलता हूँ, जब भी मेरे को ना वहाँ पे भूख लगेगी ना, मैं बाद में इसको खा लूँगा। एडवांस में मैंने रख लिया है गाड़ी के बोनट पे, बहुत सही है। अभी क्या, अपने को कभी भी भूख लगेगी ना सीधे हम लोग खा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी फटाफट से शॉप पे चलते हैं और चल के यार आज बहुत सारा काम करें, क्योंकि पिछले वाले एपिसोड में मैं बहुत सारा सामान तो लेकर आया था, ऑर्डर भी मैंने बहुत सारा सामान कर दिया था, पर सारा का सारा सामान ऐसी भाई बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो उनको सारी चीज़ों को सेट करना है, एक एक चीज़ करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है भाई। तो एक काम करते हैं, गाड़ी को हम लोग यहीं पे लगा देते हैं। और मुझे तो लग रहा है कि यार अभी ना गैराज बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ियाँ ना बहुत सारी हो गई है। एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, एक सुपर कार यहाँ पे है, और ये खड़ा है अपना बड़ा सा ट्रक, इसके अंदर भी काफ़ी सारा सामान भरा हुआ है। पर तुम लोग ये बॉक्सेस देख रहे हो भाई, बहुत सारा सामान है, सबको अनपैक करना है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यार मेरे को कितना प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे $3,560 का प्रॉफिट हो गया है। बाकी फटाफट शटर को खोलो, अपने को पहले अंदर जाना है। जितना भी यहाँ पे सामान पड़ा है ना, मैंने जुबेर की शॉप से मंगाया था, पहले ना अपने को वो अंदर लगाना है। और सारा सामान ना पहले लगा देते हैं, उसके बाद कंप्लेन देखेंगे, क्योंकि मैंने सामान ना बहुत सारा मंगा लिया था, बस मैंने लगाया नहीं है। सामान नहीं होगा तो कंप्लेन तो देखो अपने आप आएंगी। ओके, तो मैंने इसके अंदर से निकाल क्यों दिया यार, पूरा बॉक्स यहाँ पे रखना है, इसको भी यहाँ पे रखो। तो अभी जितने भी बॉक्स थे मैंने सारे के सारे यहाँ से कलेक्ट कर लिए, अभी फटाफट से इसको अंदर लेकर चलो। और यार सामान ना बहुत सारा हो गया है, थोड़ी रैक भी कम पड़ गई है, इसको पहले इन्वेंटरी के अंदर डालो यार, ये गलत जगह पे लगी, ये भी गलत जगह पे है, इसको भी इन्वेंटरी के अंदर डालो। आज ना मैं सही तरीके से सामान लगाने वाला हूँ, कुछ भी ना बढ़िया नहीं लग रहा यार। अच्छा लगना चाहिए, मतलब सेल तो हो गया, अपनी शॉप भी बढ़िया लगनी चाहिए। मैं इसको ना 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। और ये देखो यार, इसको भी मेरे को यहाँ से हटाना है, वेजिटेबल्स भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो एक काम कर दो ना, पहले सारी की सारी वेजिटेबल्स को ना उस साइड लेकर जाता हूँ, क्योंकि वेजिटेबल का सेक्शन एक अलग साइड में होगा। चिकन मटन का तो ऊपर मैंने कर रखा है, उसकी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि वेजिटेबल्स को भी ना बाद में ऊपर ही लेकर चले जाऊँ, तो क्या होगा, एक फ्लोर पे वेजिटेबल्स, चिकन मटन, ये सारी चीज़ें सेल होंगी, बाकी की चीज़ सारी नीचे मिल जाएंगी, जो ग्रोसरी का सामान होता है खाने पीने का। तो पहले मेरे को फटाफट से यहाँ पे लगाने, और यार इस काम के लिए भी ना एक एम्प्लॉय आ जाता ना तो मेरा काम हो जाता। बाकी देखो अभी धीरे धीरे अपनी रेटिंग बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारा सामान है अपने पास, बट जैसे ही सामान मतलब नहीं होता है ना, तो रेटिंग एकदम तेजी से नीचे जाती है। तो बस जल्दी से कैसे भी रेटिंग बढ़ानी है, थोड़ा सामान लेकर आना है, क्योंकि वो अनलॉक हो जाना एक बार, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। अबे भाई कितना सामान है यार, खत्म ही नहीं हो रहा। ओके, ये लास्ट ऑरेंज रह गया है, और मेरे को देखना है यहाँ पे, एक सेकंड यार, इसमें से ऑरेंज निकालो या खत्म हो रहे हैं। देखो खत्म कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर खत्म हो गया तो ना रेटिंग कम हो जाएगी। तो पहले जितनी मेरे वहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना, उनको फटाफट से मैं रैक में लगा देता हूँ। तो अभी मैंने सारे के सारे फ्रूट्स को यहाँ पे रैक में लगा दिया है। अभी मेरे पास ना कुछ कुछ फ्रूट्स की कमी हो गई है,
जैसे यहाँ पे टमाटर खत्म हो गया है, एप्पल खत्म हो गया है, तो मेरे को दोबारा वो लेकर आना है। पर जो एक्स्ट्रा सामान है ना, मैं उसको साइड में रख देता हूँ। बाकी वाटरमेलन मेरे पास काफी सारे, और रैक ना एक ही है रखने की। तो जो बड़े वाले फ्रिज थे ना, जो बड़ी वाली रैक थी, मेरे को वो खरीद के लेकर आनी है। बाकी ना यहाँ पे मैं और भी रैक लगाने वाला हूँ, मेरे पास कुछ और रैक पड़ी है, तो ये बड़ी वाली रैक मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे करके, वॉल के पास लगा देता हूँ। बहुत सही, इससे क्या होगा दोनों तरफ से सामान लग जाएगा। अभी मैं फटाफट से सामान लगा देता हूँ। ओके, बाकी तुम लोग देख लो रेटिंग फिर से जीरो हो गई। रेटिंग ना अभी काफी बढ़ गई थी, करीब 20% से ज्यादा हो गई थी, पर अचानक से फिर से जीरो हो गई। बस यही दिक्कत है ना कि बार बार सामान कम हो जा रहा है। तो मेरे को क्या करना है, बस सामान भर के रखना है, उसके बाद अपने आप आ जाएगा। नो वनीला आइसक्रीम, ओके, मेरे को चॉकलेट मिल्क वनीला ये सारी चीजें लेकर आनी है। पर कस्टमर्स ना यही चीजें खरीद रहे हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ से, एक सेकेंड गाइस, इसके अंदर फिश वगैरह है भाई। ये सारा सामान तो मेरे को ऊपर लगाना था यार। ओके, ये तो मैं नीचे नहीं लगाने वाला यार, इसका इसके अंदर जो सामान है मेरे को ये उस साइड में लगाना है। तो पहले एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ का सामान निकालते हैं, ये सारी चीज। ओके, मेरे पास चॉकलेट है, देखो मेरे पास चॉकलेट है, बट वो बॉक्स के अंदर है। तो फटाफट से मैं चॉकलेट लगा देता हूँ। तो अभी मैंने नीचे के फ्लोर में सामान वगैरह लगा दिया है, अभी फटाफट से हम लोग ऊपर के साइड लगाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे सारी की सारी फिश लेकर आ चुका हूँ। ये तो बीफ, इसको यहाँ रख दो। चिकन को मैं एक काम करता हूँ, चिकन वगैरह ना मैं इस साइड में लगा देता हूँ। तो चिकन को मेरे को निकालना है और इसको ऊपर के साइड रखना है। और एक मिनट, एक बॉक्स लेकर आ जाते हैं जिसपे मैं खड़ा होकर आराम से सारा सामान लगा दूँ। तो चिकन वगैरह मैं एक साइड में लगा दूंगा ताकि चिकन इधर से सेल हो जाएंगे, कि बहुत सही। और फिश ना मैं दूसरी साइड लगाने वाला हूँ, मतलब मटन हो गया, बीफ हो गया, वो सब मैं इस साइड में रखूंगा। और अभी ना अचानक से फिर से रेटिंग बढ़ी थी और फिर से एकदम कम हो गया, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि मैं जल्दी जल्दी से ना सारा का सारा सामान निकाल के बॉक्स से बाहर रख देता हूँ। बाकी अपने आप सेल होता रहेगा, क्योंकि अगर मैं एक एक करके सामान लगाऊंगा ना, तो उसमें कस्टमर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें टाइम लग जा रहा है। और ये वाली फिश काफी बड़ी है, तो एक काम करते हैं, पहले सारी की सारी फिश लगा देता हूँ। तो अभी मैंने सारे का सारा सामान यार सही तरीके से लगा दिया है। मैंने फिश को यार फिश की जगह लगा दिया है, सारी की सारी फिश देखो यहाँ पे है। चिकन मटन जितना भी सामान है वो मैंने यहाँ पे ही लगा दिया है, और बाकी जो एक्स्ट्रा था वो मैंने साइड में बॉक्स रख दिए। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं बाकी का भी रख दूंगा। बाकी अभी सारे बॉक्स जो मैंने जुबेर की शॉप से मंगाए थे वो मैंने यहाँ लगा दिए थे, मतलब कैट फूड हो गया, चॉकलेट हो गया। धीरे धीरे रेटिंग बढ़ रही है, और एक सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी अपने आप ही हो जाना चाहिए पे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कार्ट में डाल रखे हैं। बाकी ना मैं अभी शॉप को क्लोज कर रहा हूँ। मैं क्लोज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार देखो रेटिंग ना अपने आप थोड़ी बढ़ रही है, फिर कम हो जा रही है, बढ़ रही है, फिर कम हो जा रही है, क्योंकि सामान की ना काफ़ी कमी हो रही है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, पहले यार चेक कर लेता हूँ कि कंप्लेन क्या क्या आ रही है। यहाँ से कंप्लेन चेक नहीं कर सकते, एक मिनट डन करो, यहाँ से इस वाले लैपटॉप से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ देख रहे हो नो चॉकलेट बार्स हो गया, बहुत अच्छी कर, ये तो हो रहा है मेरे पास यार। नो मिल्क, गैलन मिल्क की गैलन चाहिए, ओके, टूथपेस्ट चाहिए इनको, पिज्ज़ा चाहिए, ड्राई डॉग फूड चाहिए भाई, वॉशिंग पाउडर, बहुत सारा सामान चाहिए। राइस की तो बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन आ रही है, और इन जूस भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा सामान मंगाना है। बाकी यार टमाटर भी ख़त्म हो रहे हैं, तो जब तक मैं सारा सामान नहीं लगा देता हूँ ना, तब तक मैं अपनी शॉप को बंद रखूँगा। मेरे को थोड़ा बहुत लॉस तो होगा देखो, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने पास फिलहाल बहुत पैसे हैं तो मैं लॉस को झेल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बड़ी वाला मतलब फ्रिज या रैक जो भी बोलो यहाँ पे ये भी लगा दिया है। तो अभी मेरे को क्या करना है ना, एक एक करके बस सामान ऑर्डर करना है, बहुत सारा सामान, और रेटिंग ना आज बढ़ा के रहनी है चाहे कुछ भी हो जाए। और एक सेकेंड, चिकन मटन का भी सामान हम लोग यहाँ से मंगा सकते हैं, कैट फूड मेरे पास है, ओके। और क्या क्या चीज़ यहाँ पे आ रही है, मेरे को एक एक चीज़ ना ध्यान से देखनी है, और उसके बाद मेरे को मंगानी है, क्योंकि यार देखो रेटिंग बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा काम करना है। चॉकलेट आइसक्रीम मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, क्योंकि आइसक्रीम का तो ये मेरे पास अभी ऑर्डर आया था, तो ये भी मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या क्या रहा, कुकीज़ मैं कर रहा हूँ ऑर्डर, कुकीज़ के बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। और क्या है यहाँ पे, ओके, डार्क चॉकलेट ये मेरे पास शायद पड़ी है, तो मैं ये नहीं मंगाने वाला। और ड्राई फूड कैट का शायद मेरे पास नहीं है, मेरे को मंगाना पड़ेगा। हैंड वॉश है मेरे पास, आइसक्रीम की बकेट में मंगाने वाला हूँ, ओके। मिल्क की गैलन अभी ऑर्डर आया था, बस राइस वगैरह थे, फ्राइज मैं मंगा लेता हूँ। यहाँ से हम लोग खा नहीं सकते पर बेच सकते हैं। जैम मैंने मंगा लिया है, मिल्क मेरे को मंगाना है, मेरे को नहीं पता मेरे पास है नहीं, मेरे पास अभी कार्ड में $7,000 है। और इन जूस का भी ऑर्डर आया था, ओके। पिज़्ज़ा यहाँ पे है, मेरे को ना रेटिंग एकदम से बढ़ानी है, फिर मैं फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाऊँगा, वहाँ से ऑर्डर कर लूँगा ताकि वो एक बार में अनलॉक हो जाए। राइस ये मेरे को मंगाने हैं, ओके। शैम्पू नहीं चाहिए मेरे को, बिस्किट, सनस्क्रीन मेरे पास नहीं है, सनस्क्रीन भी मेरे को ऑर्डर करना है, अच्छा खासा सेल होता है। टूथपेस्ट चाहिए भाई, टूथपेस्ट का ऑर्डर आया था,
तो मेरे को जल्दी जल्दी से देखना पड़ेगा। वनीला आइसक्रीम मैं मंगाने वाला हूँ यार, एक साथ ना कार्ड में डल के हो जाता ना तो बढ़िया रहता। योगर्ट भी मंगा लेता हूँ, वैसे मेरे पास पड़े हैं। ओके तो मैं ये भी मंगा रहा हूँ। वॉशिंग पाउडर मेरे को चाहिए, ऑर्डर आ रहा है बार बार। और मैं टॉयलेट क्लीनर भी मंगा लेता हूँ। जो जो चीज़ें मैं मंगा सकता हूँ, जो चीज़ें मैं मंगा सकता हूँ गाइस ना, सारी चीज़ें मंगा ले रहा हूँ। क्योंकि देखो ऑर्डर तो सारी चीज़ों के ही आ रहे हैं, ऊपर से मैंने काफ़ी कुछ छोड़ दिया था तो मेरे को नहीं पता ये क्या क्या चीज़ है। एनिमल ट्रीट मैं यहाँ से मंगा लेता हूँ। ये मेरे पास शायद पड़ा है बट कोई नहीं, फिर भी एक और मंगा लो। यहाँ से ये भी मेरे को मंगाना है भाई, बहुत सामान आ गया। इसको लगाते लगाते ना मेरी हालत ख़राब हो जानी है। तो अभी एक काम करते हैं, डन कर देते हैं। मैंने 3000 से ज़्यादा का सामान मंगा लिया है। मेरे ख्याल से सारा का सारा सामान टाइम से डिलीवर भी हो गया होगा। सुपर फास्ट डिलीवरी है भाई, सुपर फास्ट डिलीवरी। ओके ये पिछली बार का सामान है, तुम लोग यहाँ देखो। तो अभी मेरे को काम क्या करना है, यहाँ पे आराम से लगाना है। मैंने जो, अरे यार मैंने सनस्क्रीन निकाल क्यों लिया, इसको यहाँ रखो। मैंने जो मेरी बड़ी वाला मैंने रैक लगाई ना, उसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। ओके पहले बॉक्स को रख, ये अच्छी चीज़ है कि छोटे छोटे बॉक्स में आ रहा है। तो अभी मैंने यार इसके ऊपर बहुत सारा सामान रख दिया है, देख रहे हो मालगाड़ी इसको बना दिया है। अभी फटाफट से इसको अंदर लेकर चलते हैं। और मेरे को काम क्या करना है, मैंने इसको यहाँ लगा लेता हूँ। क्योंकि तुम लोग देख रहे हो ये वाली पूरी रैक खाली हो चुकी है, सामने वाली भी रैक खाली हो रही है। तो एक काम करते हैं ना यार, ये सारा का सारा जो सामान है ना, ये रैक है, इसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। ओके तो ये सामान मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ रख देता हूँ। मेरे को रैक को ना दोबारा से लगाना है, क्योंकि मैं रैक ऐसे लगाऊंगा जिससे जगह भी बच जाए और सामान भी ज़्यादा लग जाए। मेरे को रैक कहाँ गई, ओके ये फ्रिज है, ये रही रैक। इसको ना मैं यहाँ प्लेस करने वाला हूँ, जैसे मैंने वो वाली लगाई है कुछ ऐसे करके। ओके बहुत सही, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा जगह लग रही है। चिप्स कौन से वाले, मेरे को चेक करने दो एक बार। ओके यार ये वाले चिप्स तो मेरे को मंगाने ही नहीं है, ये मेरे पास फिलहाल पड़े हैं। तो मैं जो मेरे को सामान लगाना नहीं है ना फिलहाल के लिए, वो मैं यहाँ रख देता हूँ। जो मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है, जो मेरे को यूज़ नहीं करना है, बस मैंने ऑर्डर के लिए। फ्राइज़ देखने मेरे को, फ्राइज़ किए कौन से वाले फ्राइज़ हैं इसको। ओके ये शायद सेल हो जाएंगे, इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ लगा देता हूँ। वैसे यार ये वाली रैक ना इसके लिए सही नहीं है, बड़ी रैक ही सही है क्योंकि ये काफ़ी बड़े पैकेट है। मेरे को इसको भी निकाल के, सारी चीज़ें हाई प्राइस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से लगा देना। और जब मैं ना अपनी शॉप को ओपन करूँगा ना, फिर मेरी रेटिंग अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। बस मुझे थोड़ी देर इंतज़ार करना है यार। मेरे को ना यार टमाटर वगैरह लेकर आना पड़ेगा, फटाफट से इसको लगा दें क्योंकि वो भी ख़त्म हो रहा है। तो अभी मुझे काम करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और अभी मैं 2 दिन के बाद सोने भाई अपने घर पे आया था। और एक सेकंड यार, मैंने अपनी सुपर कार को अपने घर के अंदर ही रख लिया है। तो फटाफट से मैं इस गाड़ी को लेता हूँ और सीधे अपनी शॉप पे चलता हूँ, क्योंकि अभी ना और भी बहुत सारी कंप्लेन आ रही है। मतलब मेरे को काफ़ी सारा सामान लेना है, रेटिंग ना अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, अचानक से भाई रेटिंग कम हो गई है। तो मेरे को फिर से ना शॉप को बंद करना है, और जो जो कंप्लेन आ रही है ना मेरे को वो सामान लेना है। मैंने बहुत सारा सामान लगा दिया है यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हो कार्ट में जब मैंने गेम स्टार्ट किया था $8,000 से ज़्यादा डॉलर थे, और अभी सिर्फ 2500 रह गए। मतलब मैंने बहुत सारा सामान मंगा लिया है। तो पहले फटाफट से यार शॉप पे चलते हो, और खाने का मेरे को इंतज़ाम करना पड़ेगा। वैसे मैं 2-3 पिज़्ज़ा यार खरीद के ले गया था एडवांस में, तो पहले रेस्टोरेंट में चलते ना कुछ पिज़्ज़ा खरीद लेते हैं। तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुके हैं, फटाफट से यार रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी को लगा के पहले मैंने कुछ पिज़्ज़ा खरीद के लाता हूँ, और पिज़्ज़ा ना अपने साथ अपने शॉप पे लेकर चलूँगा, वहीं पे मैं खा लूँगा। फटाफट से मेरे को एक काम करता है, एक बाई किया मैं इसको गाड़ी पे रख के आता हूँ। इसको ना पीछे के साइड रख देते हैं कोई, अभी ओके यहाँ पीछे रख सकते हैं। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था रखना कहाँ पे। एक और बाई करो पिज़्ज़ा। ओके दो से काम चल जाएगा यार, पिज़्ज़े दो पिज़्ज़ा से काम चल जाएगा। एक सेकंड। ओके मेरे को नहीं पता मैंने कहाँ पे रख दिया, कहीं तो रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के मैं इसको खा लूँगा। ओके फटाफट से निकलते हैं और शॉप पे चल के यार काम करते हैं। तो अभी हम लोग अपनी शॉप के पास बहुत चुके हैं, फटाफट से यार गाड़ी को ना मैं साइड में लगा देता हूँ, और यार ये बार बार ना यहाँ पे ठुक जाती है। ओके बहुत सही, बाकी रेटिंग ना धीरे धीरे बढ़ रही है यार, कम तो बिल्कुल नहीं हो रही। तो पहले मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि मैंने सामान कहाँ कहाँ पे लगाया था। तुम लोग यहाँ देखो, ये पूरा का पूरा सामान मैंने यहाँ पे भर दिया है, यहाँ पे सामान लगाया। बाकी तुम लोग यहाँ देख रहे हो बहुत सारे बॉक्स यहाँ पे भी रखे हुए हैं, पर अभी काफी सारे कस्टमर वापस जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास सामान तो बिस्किट नहीं है क्या मेरे पास। एक सेकेंड, वीट बिस्किट ये रहना, बिस्किट वगैरह सारी चीजें मेरे पास भाई, बस मैंने लगा ही नहीं है। पहले एक काम कर दो ना, फटाफट से बॉक्स को यहाँ लगा देता हूँ। बॉस अभी ना अपनी शॉप यार काफी बढ़िया लग रही है भाई, पूरा का पूरा सामान भर गया है। ये यार मैंने ना गलत ही यहाँ पे रख दिया। और एक मिनट, वो सी फूड भी नहीं है मेरे पास। ओके सी फूड मेरे को लेकर आना है क्या। आइसक्रीम सोल हो रही है यहाँ पे, सारी चीजें बिक रही है यार।
मेरे को देख रहे कंप्लेन, नो ड्राई कैट फूड, ओके कैट फूड चाहिए, पिज्जा नहीं है क्या मेरे पास, डोनट नहीं है, चॉकलेट बार नहीं है, कॉफी स्टिक नहीं है, योगर्ट, योगर्ट तो है मेरे पास, मेरे को कुछ और सामान भी मंगाना पड़ेगा, कैट फूड मेरे पास शायद नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा, ड्राई कैट फूड, नो ड्राई कैट फूड, एक सेकेंड कहाँ गया, ओके पिज्जा शायद मेरे पास है यहाँ पे, पिज्जा मैं ऑर्डर कर देता हूँ बट फिर भी ओके तो अभी मैंने यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज्यादा सामान फैला दिया है, तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई, मैंने जल्दीबाजी में ना यार बाहर ही सामान निकाल दिया, और एक सेकेंड ये कौन सा सामान था, सारा का सारा खराब हो चुका है यार, कुछ सामान ना मेरे को फ्रिज के अंदर ही रखना है, तुम लोग यहाँ देखो मेरे को पता ही नहीं ये कौन सा सामान है जो मैंने बाहर निकाला, इसका नाम भी नहीं आ रहा यार, पर ये खराब हो चुका है, मेरे को यार फ्रिज के अंदर ही डालना पड़ेगा, बाकी मैंने बहुत सारा सामान तो फ्रिज के अंदर रख दिया, और एक सेकंड ये शायद कॉफी थी ना, इसको भी फ्रिज के अंदर रखना है, मेरे को नहीं पता चाय या फिर कॉफी है, पिज्जा को पहले बाहर निकालो, मैंने जल्दी जल्दी में बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि कस्टमर ना बहुत ज्यादा तेजी से आ रहे हैं, और वो अगर रेटिंग खराब दे रहे ना तो तुरंत अपनी रेटिंग गड़बड़ हो जा रही है, और अभी रेटिंग ना बहुत ज्यादा हो गई थी, 50% से भी ज्यादा हो गई थी, पर सामान की कमी की वजह से फिर से कम हो गई, बाकी यार ये पता नहीं कौन सी चीज यार खराब हो गई, मेरे को ध्यान करना पड़ेगा यार यहाँ पे मैंने रखा क्या था और क्या क्या चीज यहाँ पे खराब होती है, चॉकलेट्स वगैरह तो नहीं थी ना, मेरे को नहीं पता यार, यहाँ पे देख लो बहुत सारा सामान बॉक्स में रखा है, देखो केक यहाँ पे रखा हुआ है, इसको फिलहाल मैं यहाँ रख देता हूँ, बाकी यार अभी रात हो चुकी है, मेरे को घर पे जाना पड़ेगा, और तुम लोग बैंक में पैसे देख रहे हो, मतलब बैंक में नहीं सॉरी मेरे अकाउंट में पैसे देख रहे हो, कितने ज्यादा पैसे हो चुके हैं, तो पहले तो यार मैं खाना खा लेता हूँ, जो मैंने पीछे खाना कहीं रखा था ना यार, पता नहीं कहाँ पे गया खाना, तो शॉप को मैंने यार ओपन ही कर दिया है, चोरी वगैरह तो यहाँ पे होती नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, फटाफट से यार अपने घर पे जाना पड़ेगा, ये मैं पांचवी या छठी बार सोने जा रहा हूँ, मतलब यार रेटिंग बढ़ाने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि जब भी ना मैं सामान वगैरह लेकर आता हूँ कस्टमर की नई नई डिमांड आ जाती है कि भाई वो ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो पहले पेट भर के खाना खा लेते हैं, अभी फटाफट से निकलते हैं यार घर की तरफ, अभी मैं सुबह आके देखता हूँ कि कितनी रेटिंग बढ़ती है, तो अभी मैं नहा धो के फिर से रेडी हो चुका हूँ भाई अपनी शॉप पे जाने के लिए, और दोनों गाड़ियां कहाँ गई यार, दोनों की दोनों गाड़ियां यहीं पे थी, यहाँ पे मैंने सुपर कार भी लगाई थी, और एक सेकंड गाइस तुम लोग वहां देख रहे हो ये गाड़ियां वहां कैसे पहुंची और एक दूसरे से टक्कर कर रही है, हेलो ये चल क्या रहा है भाई, दोनों की दोनों गाड़ियां फंस गई, एक सेकंड भाई वो क्या रहा है मेरे को नहीं पता भाई, ओके गाड़ी निकाल दी मैंने बहुत अच्छे बहुत सी ऊपर के साइड मेरे को लेकर जा रहा है, चल क्या रहा था भाई, गाड़ी नीचे पहुंची कैसे मेरे को नहीं पता, बिल्कुल पहाड़ से नीचे गिरने जा रही और एक दूसरे से लड़ने में लगी थी गाड़ियां, हद है भाई, बाकी रेटिंग तुम लोग देख रहे हो काफी तेजी से अभी बढ़ रही है, पर यार 50% से ऊपर चली जाए ना तो मेरे को दोबारा से मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में जाना है, वहां से बस एक दो प्रोडक्ट लेकर आना है, क्योंकि आराम से हम लोग खरीदेंगे, तो लोग देखते हो $60,000 से ज्यादा मेरे अकाउंट में हो चुके हैं, तो मेरे को ना बहुत सारे प्रोडक्ट लेने हैं, वो भी हम लोग एक साथ लेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से ना मेरे को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, तो अभी खाना वाना तो मेरे को नहीं खाना है, मेरा पेट एकदम भरा हुआ है, सीधे शॉप पे चलते हैं, चल के काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग शॉप पे पहुंचने वाले हैं, और अभी तक तो सारी चीजें एकदम बढ़िया चल रही है यार, कोई भी कस्टमर कंप्लेन नहीं कर रहा है, रेटिंग भी अपनी बढ़ रही है, बस मेरे को ध्यान देना है कि जैसे कोई भी कस्टमर कंप्लेन कर रहा है मेरे को तुरंत वो प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, बाकी मैं एक बार कंप्लेन चेक कर लूंगा, तुम लोग यहाँ देख सकते हो मैंने चारों तरफ प्रोडक्ट फैला रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी यहाँ से मैं पैसा भी कलेक्ट कर लेता हूँ, तुम लोग देख रहे हो $70,000 हो गए यार भाई, बहुत सही अर्निंग तो काफी तगड़ी हो रही, बाकी मैं एक बार ऊपर के साइड चल के देखता हूँ, फिश वगैरह मटन वगैरह ये सब सेल हो रहा है ना, ओके तो सेल हो रहा है भाई, काफी खाली हो गया, फिश हो गई खाली, ओके फिश वगैरह भी धीरे धीरे सेल हो रही है, तो मतलब प्रॉफिट अपने को तभी इतना ज्यादा हो रहा है, बाकी एक बार मेरे को चेक करना है, अरे अरे भाई भाई सुबह से कोई कंप्लेन नहीं है क्या, ओके कोई भी कंप्लेन नहीं है भाई, अभी कोई भी कंप्लेन नहीं है, तो गाइस अभी बस अपने को इंतजार करना है, बस यार कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो एकदम अलग सामान खरीदे, बाकी मैं एक काम करता हूँ ना थोड़े फ्रूट्स वगैरह लगा देता हूँ जब तक, क्योंकि फ्रूट्स भी अभी खत्म हो गए हैं, मेरे पास आलू बिल्कुल नहीं है, टमाटर खत्म होने वाले हैं, वाटरमेलन भी खत्म हो रहे हैं, मेरे को ये सारी चीजें भी लेकर आनी पड़ेगी, बस कैसे भी करके आज रेटिंग कंप्लीट हो जाए भाई, मेरे को फुल रेटिंग करनी है, एक सेकंड नो स्ट्रॉबेरी बिस्किट भाई सीधे ऑर्डर किया जाएगा, कैसी बात कर दी, स्ट्रॉबेरी बिस्किट कौन सा है भाई, सीधे किसी जो 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 मेरे पास अभी कंप्लेन आने वाली है ना मैं सारी चीजें ऑर्डर करने वाला हूँ,
बिस्किट कहाँ गया, ये रहा स्ट्रॉबेरी बिस्किट, फटाफट से इसको ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करते ही भाई सुपर स्पीड है, मतलब सुपर स्पीड भाई आने की, आ भी गया होगा पीछे सामान। यहाँ देखो सीधे बिस्किट ऑर्डर कर दिए भाई, सीधे बिस्किट आ चुका है और अभी मैं इसको लगा देता हूँ कहीं ना कहीं पे, एक सेकेंड, बहुत सही, इसको मैं ऊपर की साइड लगा दूंगा, बढ़िया लग रहा है। तो अभी हमारी शॉप की रेटिंग यार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरे को लग रहा है कि यार 50% से तो ऊपर हो गई होगी, और अभी ना कोई कंप्लेन भी नहीं आ रही है, मैं पहले ही सामान मंगा ले रहा हूँ। तो एक बार चेक कर लेते हैं शॉप रेटिंग में जाते हैं। ओके, तो हमारी शॉप की रेटिंग यहाँ पे 53% हो चुकी है, और जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान है ना वो मैं 50% पे ले सकता हूँ। तो अभी मेरे को काम क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को जाना है इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यार मेरी रेटिंग अगर गड़बड़ हो गई तो मैं सामान ना ले पाऊँ, और मेरे को जाना तो यार यहीं से पड़ेगा ना। तो पहले एक काम करते हैं कि ट्रक को ना थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं भाई, इसने पूरा का पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है। और अभी देख रहा हूँ मुझे लगता है अभी 60 से भी ऊपर रेटिंग हो गई भाई, मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी है रेटिंग बढ़ाने में, बहुत ही ज़्यादा। मैं फंस गया यार, निकलूंगा कैसे? ओके बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो अभी मेरे को काम क्या करना है, फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे चलते हैं, और चल के यार मतलब एक दो प्रोडक्ट लेने हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेने हैं फिलहाल के लिए, मैं एक या दो प्रोडक्ट ले लूँगा ताकि जो अपना 50% के ऊपर है ना वो अनलॉक हो जाए, शायद लॉक हो रखा है मेरे ख्याल से। बार बार यार ना करना पड़े रेटिंग कंप्लीट, बस एक काम करते हैं शॉर्टकट मारते हैं, बहुत सही सीधे शॉर्टकट मार के हम लोग पहुंच चुके हैं जुबेर की शॉप पे, ये रहा फर्नीचर शॉप, ये जुबेर की शॉप के बगल में ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। ओके ओके, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बहुत सही। तो अभी मेरे को फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से यहाँ पे कोई एक सामान खरीदते हैं। ये क्या चीज़ है कि स्पीकर है यहाँ पे, हेडफोन कितने के, $500 के भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं, अभी तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, इतना ज़्यादा पैसा है मेरा। कंसोल भी है यहाँ पे, ओके फ्रिज वगैरह भी है, फिलहाल के लिए मैं छोटा सा सामान ले लेता हूँ, जैसे कि टीवी तो ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। एक काम करते, ये क्या चीज़ है, ओके कैलकुलेटर सही है, मैं फिलहाल के लिए ये बाय कर लेता हूँ, बहुत सही। अभी फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ एक बाय कर लिया है, और अभी ना मैं इसको गाड़ी के ऊपर रख लेता हूँ। एक सेकेंड, शॉप के ओनर से तो बात नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी, हम लोग इसको डिलीवरी नहीं दे सकते। एक सेकेंड भाई, कुछ और सामान मेरे को मंगाना पड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेटिंग कम नहीं होनी चाहिए भाई, रेटिंग के लिए तो अपन लोग कुछ भी करेंगे। तो फटाफट से शॉप पे चलो, और चल के जो भी सामान की मतलब डिमांड आ रही है ना भाई, तो मेरे को सामान मंगाना है, और रेटिंग को ना कम से कम 70 से ऊपर करना है, 70 से ऊपर ना काफ़ी है यार, 100% हो या ना हो, 70 से ऊपर फिलहाल के लिए हो जाए, 100% कर देंगे। देखो धीरे धीरे आज मैंने काफ़ी सामान खरीदा है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि जुबेर की शॉप का मैं हर एक प्रोडक्ट ले लूँगा, हर एक प्रोडक्ट, वो भी एक ही बार में, ऐसा भी हम लोग जल्दी करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि आज मेहनत वसूल हो जाएगी, 70% तक हो जाएगी अपनी रेटिंग, टेंशन की बात नहीं है। तो मुझे बस गाड़ी को यहाँ लगाना है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ओके बहुत सीखा भाई, नहीं बाहर निकल, एक सेकेंड, जो मैं सामान लेकर आया था यार वो वही छूट गया, सुपर कार से हम लोग सामान नहीं ला सकते भाई, कोई दिक्कत, नो मिल्क चॉकलेट, ओके कोई दिक्कत नहीं है। दो हमारे पास कंप्लेन आई है ना, सबसे पहले तो अपने पास किस चीज़ की आई थी, मिल्क चॉकलेट नहीं है ना अपने पास, मिल्क चॉकलेट पे मेरे पास दो, यहाँ पे दो है, स्मॉल एंड यहाँ पे लार्ज, तो पहले तो मैं ये मंगा लेता हूँ। एंड एक और चीज़ का ऑर्डर था ना, मतलब एक और चीज़ के लिए आया था, मेरे को देखना पड़ेगा वो है क्या, नहीं तो मेरे को ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो अभी मैंने यार वो सारा सामान मंगा लिया जिसके कस्टमर्स आ रहे हैं, मतलब जिसकी मेरे को कंप्लेन मिली है। तो यार मेरे को स्ट्रॉबेरी बिस्किट की कंप्लेन मिली थी, पर बिस्किट तो मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं, और एक बार मैं रेटिंग चेक करूँ अपनी शॉप की, तो यहाँ पे रेटिंग 68% हो चुकी है, मतलब जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं ना उनको सामान तो मिल रहा है, पर कुछ कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं ना जो एकदम यूनिक ही सामान मांग रहे हैं, ये क्या खराब हो गया यार। एक तो नीचे रखने पर ना काफ़ी सारी चीज़ें खराब भी हो रही है, और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा यार ये क्या चीज़ है। जो जो है ना मैं बाहर निकाल के लिए फिलहाल के लिए रख देता हूँ, बाकी बाद में ना मैं सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से लगा दूँगा। कपकेक के ऑर्डर डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो कपकेक मेरे को लगाना पड़ेगा फ्रिज के अंदर ही। एक सेकेंड, मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ, अरे भाई मेरे को नीचे नहीं रखना है, मेरे को ऊपर रखना है उसको निकाल के। एक सेकेंड, ये नहीं था, ये रहा कपकेक, यहाँ कहीं जगह है क्या, एक बस आ जाए, ओके। बाकी यहाँ से मिल्क भी सेल हो गया, मैंने मिल्क वगैरह यहाँ पर रखा था। तो अभी हमारी शॉप की रेटिंग यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेरे को लग रहा है कि यार 70% तो आराम से क्रॉस कर गई होगी, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर्स आ रहे हैं और सारा का सारा सामान मिल रहा है।
तो एक बार पहले मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, उसके बाद रेटिंग चेक करते हैं। 73-74% हो गई है। तो गाइस थोड़ी देर में यहाँ पे और खड़ा रहूंगा ना तो रेटिंग आराम से बढ़ जाएगी। और तुम लोग देख रहे हो मेरे पास करीब 80,000 से ज्यादा डॉलर्स हो गए हैं, मतलब इस शॉप से मेरे को ना बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अभी मेरे को काम क्या करना है यार, नोट होना हो गया, फिश मेरे पास शायद कोई नहीं है, मेरे को फिश वगैरह लेकर आनी है, और जो भी बाकी का सामान है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ाना है। आज हम लोगों ने 70 से ऊपर तो कर दिया है, वैसे 80% या 85% आराम से हो जाएगा। एक दो चीजों की कमी हो गई है क्योंकि वो अभी फिलहाल खत्म हो गए, तो वो मैं जैसे लेकर आ जाऊंगा तो 100% हम लोग आराम से पहुंचा देंगे। बाकी अभी ना मैं आराम से इलेक्ट्रॉनिक की शॉपिंग कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार इतनी रेटिंग बढ़ाने में ना भाई हालत खराब हो गई, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इस गेम में। इस गेम में ना भाई मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है पर मजा भी बहुत आता है। बाकी यार इस वाले वीडियो को हम लोग यही बैंड करते हैं, आई होप आप लोगों को मजा आया। अगर मजा आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, बाकी कमेंट करके यार जरूर बताना कि आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।